हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पुनीत रोहिला। मैं एक टैली ट्रेनर और बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ। टैली ने हाल ही में नया रिलीज लॉन्च किया है 2.0। अभी इसका बीटा वर्जन आया है जो आप टैली की वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकती हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन प्रोवाइड कराए हैं। मैं अपनी आने वाली सभी वीडियो में टैली के इस नए रिलीज़ के ऑप्शन आपको बताऊँगा। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको बताऊँगा जो हर यूज़र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं उस ऑप्शन की तरफ। टैली प्राइम को ओपन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये ऑप्शन जो आया वो रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कि आप किसी भी रिपोर्ट में, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड स्टॉक समरी हो, या डिस्प्ले की कोई अनदर रिपोर्ट हो, तो आप किसी भी रिपोर्ट में इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम स्टॉक समरी को ओपन करते हैं तो अभी स्टॉक समरी आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिखाती है। ऐसे ही टैली की सभी रिपोर्ट डिफॉल्ट सेट है, बट अगर आप इसमें किसी ऑप्शन को अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो आप अगर उस रिपोर्ट से स्किप कर जाते हैं और वापस आते हैं तो टैली क्या करेगा, आपको अगेन डिफॉल्ट पे ही ओपन करके देगा, यानी कि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ही को लेगा स्टॉक समरी में। अगर आप इससे F12 से कुछ ऑप्शन को इनेबल करते हैं, सपोज मैं F12 में गया और मैंने जाके ओपनिंग इनवर्ड आउटवर्ड को येस कर दिया। अब मैं कंट्रोल ए करूँ तो टैली क्या करेगा, कंट्रोल से इस रिपोर्ट को तो मुझे दिखा देगा, बट मैं अगर इसको स्किप कर दूंगा तो टैली क्या करेगा, अगेन मेरे को क्लोजिंग स्टॉक पर ले आएगा। बट इस चीज़ की प्रॉब्लम का आप टैली ने आपको सोल्यूशन दे दिया। आप प्राइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप F12 की सेटिंग पे क्लिक कीजिए। F12 की सेटिंग में ओपनिंग इनवर्ड जो भी आपको ऑन करना है वन टाइम ही, आप उसे ऑन कीजिए। इसे नेक्स्ट टाइम भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे ऑन करने के बाद सेव व्यू पे क्लिक करना है राइट हैंड साइड पे और डिफॉल्ट व्यू फॉर दी रिपोर्ट येस करके कंट्रोल ए कर देना है। अब जैसे आप इसे कंट्रोल ए कर देंगे, अब अगर आप स्टॉक समरी से बाहर जाते हैं और दोबारा आते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए डिफॉल्ट सेट होगी। अगर आप इस सेटिंग को दोबारा कोई और चेंज करना चाहें तो आप उस सेटिंग को चेंज किए और सेव व्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये सेटिंग जैसे आप चाहते हैं वैसे ही मॉडिफाई हो जाएगी। आपको बार बार अपनी किसी भी रिपोर्ट की सेटिंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये फीचर्स अच्छा लगा होगा टैली प्राइम का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नया वर्जन जो आया है और नया जो फीचर्स आया है वो सभी पसंद तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।